Savage. शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने कटौती की तारीख पर बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, गुजारिश है कि पंजाब हमारे मुल्क का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। यहाँ पर हालातों, तावान, अजमत दरी की बढ़ती हुई वारदातों से लोग परेशान हैं। जनाब स्पीकर, 2019 की 8 माह की जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 3,11,000 जराइम की वारदातें हुई। इसके अलावा कत्लो गारतगरी की तकरीबन 5,510 वारदातें हुई और अगवा बराए तावान की 8,600 वारदातें हुई। अजमत दरी की 200 से ज्यादा वारदातें हुई और इज्तमाही अजमत दरी तकरीबन 104 वारदातें हुई। जनाब स्पीकर, ये चीजें बहुत ही अलार्मिंग हैं। हुकूमत ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। राज साहब, प्लीज अपनी सोशल डिस्टेंस को भी कायम रखें और अपनी चेयर्स को। जी राज साहब, आपने अगर बातचीत करनी है तो अंदर लॉबी में चले जाएं काइंडली। जी राज साहब बैठे, तशरीफ रखें। जी नवाब, नवाब राव साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर। हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाने में नाकाम रही, जिससे शहरियों में अदम तहफुज बढ़ रहा है। जबकि एक साल पंजाब के अंदर एक साल में 4 दफा IG तब्दील किए गए, मगर अमन अमान की सूरत हाल वहीं की वहीं है। जनाब स्पीकर, पिछले 7 साल से KP के अंदर और 2 साल से पंजाब के अंदर एक ही पार्टी की हुकूमत है जनाब आला, मगर जराइम की शरह बता रही है कि दोनों सूबों में पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ इजलासों तक महदूद है। जनाब स्पीकर, हुकूमत जुराइम पेशे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ऑपोजिशन के खिलाफ हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। जनाब स्पीकर, इस हाउस के सीनियर पार्लियामेंटेरियन सैयद खुर्शीद शाह साहब बगैर किसी सबूत, बगैर किसी रेफरेंस के सिर्फ और सिर्फ झूठे इल्जाम की बुनियाद पर एक साल से जेल में है। जबकि आटा और चीनी के जो चोर हैं उन्हें प्रोटोकॉल के साथ मुल्क से फरार कराया जाता है। जनाब स्पीकर, सानिया साहिवाल, जिसके बारे में यहां हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहबान ने भी बुलंदोबांग दावे किए थे, उसका नतीजा भी आपके सामने है। जनाब स्पीकर, तकरीबन 2 सालों से लाखों खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं और इसी तरह लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आज करप्शन का यह आलम है कि आलमी रेटिंग में पाकिस्तान, ये वाहिद 2 सालों में पाकिस्तान ने तरक्की की है कि हम 2 पॉइंट ऊपर चले गए हैं। जनाब स्पीकर, सरकारी MNA टीवी टॉक शोज में भी इसका जिक्र करते हैं कि करप्शन जो है वो 10,000 से अब 30,000 तक पहुंच चुकी है। जनाब स्पीकर, ये नाइंसाफियां जो ये नाइंसाफियां जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता है। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि अवाम को इनके हकूक दिए जाएं और हकूक देने से ही लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल होगा। जनाब स्पीकर, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमारा हुकूमत से मुतालबा है
कि वजारत दाखिला के लिए बजट में 1 रुपए की कटौती की जाए और तारीख एवान से मंजूर की जाए। थैंक यू जनाब।